क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं दुबई। आज तकरीबन 4 महीने पहले मैंने इस ट्रिप के बारे में प्लान किया था, व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि आई शुड डू समथिंग स्पेशल फॉर 100K सब्सक्राइबर्स, क्योंकि 50K सब्स पे मैं ऑलरेडी सेटअप टूर कर चुका था और 10K सब्सक्राइबर्स में Q&A कर चुका था, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग यू नो डिफरेंट। तो मेरे मन में ख्याल आया आज से तकरीबन 4 महीने पहले कि मुझे कुछ और करना चाहिए, एंड तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप करूँ और एक व्लॉग डालूँ। उस टाइम पे मैं एक वेबसाइट को फॉलो करता था अपनी फ्यूचर ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए, और उस वेबसाइट पे दिखा रहा था मुझे कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स लाइक जैन के एंड में होंगे, लाइक 22nd-23rd जैन की कोई डेट दी रखी थी उसमें। तो आई बुक्ड माय होल ट्रिप फ्रॉम 27 to 31st, लेकिन हम अपने शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। स्टिल मेरे 100K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, वी आर एट 92K एंड आई एम वेरी फाइन विद इट, क्योंकि ये व्लॉग आते आते तक शायद 100K हो चुके होंगे। लेकिन अगर अभी तक ये व्लॉग आने के बाद भी मेरे 100K नहीं हुए हैं तो तुम लोग को पता है तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट गाइस, तो इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ और ये व्लॉग स्पॉन्सर्ड है। वेल एनीवेज, इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:15 और मेरी फ्लाइट है सवेरे के 8 बजे, तो मुझे एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा बाय 5:30, क्योंकि मैं सवेरे एक्टिव फील नहीं करता और पता नहीं क्यों मुझे व्लॉग करने का मन नहीं करता। मैं अभी से प्री रोल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सवेरे में तुम लोग को सीधे एयरपोर्ट में मिलूँ। ये पहली व्लॉग है जो मैं अपने दिल से बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं, लाइक विजिटिंग कैट कैफ़े और ना जाने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ चले जाता हूँ कैमरा लेके, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी व्लॉग मेरे चैनल तक नहीं पहुँची है। इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है जो तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी तो वो चैनल डेड है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू मेक इट एक्टिव एंड आई कांट मेक इट एक्टिव विदाउट यू गाइस। तो जाके सब्सक्राइब कर लो और मुझे फोर्स करो कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है। चलो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूं सीधे सवेरे एयरपोर्ट पे। तो सवेरे के बज रहे हैं अभी 6:15 और हम एयरपोर्ट में एंट्री कर चुके हैं और अब बस हम लोग जा रहे हैं लाउंज की तरफ, क्योंकि बहुत भूख लग रही है तो अपना दिन अब लाउंज से शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। इतने लोगों का उसने काटा था। हम लोग अभी भी एयरपोर्ट पे हैं, सवेरे के 7:30 बज रहे हैं और लाउंज से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकल कर आए हैं एंड फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स निकल के जा रही है पीछे से, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आज, अभी 1 आवर और है, तो चलो थोड़ा सा और एयरपोर्ट घूम लेते हैं। This actually opens up once you pick up the bottle, the cage opens like a flower, and then when you put it down, it will close. Wedding vlogs. Oh, 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 oh. Itni sari shivas. Yeah, video clip. आप अपने YouTube shorts पे डाल देना। ठीक है, ये सब एक साथ पी लेंगे तो क्या होगा? हाँ? एक साथ अगर पूरा जाएगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। Alright, so we have reached to the international airport of Dubai metro station. We have to go to Union, where our hotel is situated. So we are waiting for the metro right now. Or jaise hi metro aata hai, we will get into it and we will go to the room. इसके
उसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल लोटस ग्रैंड में जो देहरा में सिचुएटेड है। अंदर का मैं तुम लोगों को एक बार व्यू दिखा देता हूं। तो जैसे जैसे हम होटल के अंदर जाते हैं तो ये अपने को लॉबी और एंट्रेंस एरिया देखने मिलता है, सामने से मैं आ रहा हूं। ऑल इन ऑल होटल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, मतलब अकोमोडेशन वॉज़ वेरी नाइस एंड बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था सब कुछ, तो अच्छा लगा यहाँ पर रुकना हमें। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एट द टॉप बुर्ज खलीफा के लाइन में और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने टिकट का। जस्ट दुबई मॉल में एंट्री किए हैं और द मेन थिंग इज़ कि बाहर दुबई में मौसम बहुत ख़राब है, आर्टिफिशियल रेन हो रही है और हमारे सारे प्लान से पानी फिर गया। मतलब जितनी भी जगह आज हमको जाना था सब जगह बहुत बारिश हो रही है, सो वी हैव टू कैंसिल ऑल ऑफ आवर प्लान्स एंड वी हैव टू कम अर्ली। आधे घंटे ही जल्दी आ पाए फिर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक मेट्रो तक भी नहीं पहुँच पाए, सो वी हैव टू डू कैब ऑल द वे टिल हियर। मतलब सब जगह कैब करके जाना पड़ा। It was a very tiring experience, but now we will go at the top of Burj Khalifa. Let's see the world from there. तो हम लोग दोनों निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। ये दो टिकट्स हमको मिल चुकी है एट द टॉप की और अब हम जाने वाले हैं एट द टॉप। क्या ख्याल है? अरे wonderful. It will be a great experience. Let us enjoy the view. तो चलो यार ऊपर जाके देखते हैं और मज़े करते हैं। इस लिफ्ट के अंदर जाते हुए मुझे कुछ चीज़ें फील हुई। बड़ा ही डार्क सा एनवायरनमेंट था शुरू में और जैसे ही हम लिफ्ट के अंदर एंटर कर रहे थे तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एकदम एक ये लाइट्स सी चालू होती हैं बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है और लिटरली एक सेकेंड में दो दो तीन तीन फ्लोर्स ऊपर जा रही थी, मतलब लिटरली सिर्फ एक से डेढ़ मिनट लगा होगा हमें टॉप पर पहुँचने में, पर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एट दी ऑब्जर्वेशन डेक और इस वक्त तुम लोग मेरे पीछे देख रहे हो दी दुबई। यहाँ पर हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइक इधर ऊपर आने में ही मुझे एक डेढ़ घंटा लग चुका है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से बाहर। देखो मेरे पीछे, मतलब तुम लोग देखो एक बार कितना, मतलब आज वेदर भी बहुत ब्यूटीफुल है, बारिश हो रही है सवेरे से, आसमान एकदम काला है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ ढेर सारे लोग हैं और मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से दूर जाके कोई ऐसी जगह जो थोड़ी सी खाली दिख रही हो। हालांकि हमारे पास अभी एक और फ्लोर है जो ये वाले के बाद ऊपर एक और एक फ्लोर है जहाँ हम जा सकते हैं। एंड देखो तुम लोगों को एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पीछे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ बारिश हो रही है लेकिन ये वाला हिस्सा एकदम सूखा पड़ा है। व्हाट आर द ऑड्स? और ये तुम लोग मेरे पीछे देखो द हाइट्स ऑफ दुबई। डूड यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब मेरे हाथ लिटरली ठंडे पड़ रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले फ्लोर में, मे बी वो थोड़ा सा वार्म क्योंकि वो क्लोज है, ये ओपन है, ओपन ऑब्जर्वेशन डेक है। तो अब हम जाएंगे ऊपर के फ्लोर पे, लेट्स सी। So guys, we have arrived at the Ferrari World. पीछे तुम लोग देख सकते हो सब एकदम रेड हो रखा है और अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। Let's go inside. तो देखो यार यहाँ पर आने के लिए तुम लोग को टिकट लेनी पड़ती है पीछे के काउंटर से, लेकिन अगर तुम लोग ऑनलाइन टिकट करा के आए हो देन इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल, क्योंकि फिर सीधा स्कैन करके अपने को अंदर ही जाना है। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू गेट एन ऑनलाइन टिकट, सो मेक श्योर टू डू सो। ऑल्सो द बिग सिल्वर हॉर्स बिहाइंड मी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग।
फरारी वर्ल्ड के अंदर आते ही हमने देखा यहाँ पर अलग अलग तरह की राइड्स हैं, पीछे आगे सब जगह, मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू विजिट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू गो टू, बट वी आर गोइंग टू द 1000 किलोमीटर पर आवर राइड. आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट राइड येट, लेकिन वी आर गोइंग टू ट्राई दैट राइड अगेन एंड लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस देन आफ्टर. अभी हम लोग जा रहे हैं भाई वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड, दैट इज फॉर्मूला रोसा. तो ये है फार्मूला रोसा राइड और ये अभी तैयार हो रही है. आई वंडर ये लोग जो इसमें बैठे हुए हैं इनकी क्या मनोदशा हो रही होगी अभी. और जैसे तुम लोग देख सकते हो अभी राइड एकदम फुर्र करके निकल गई है. भाई साहब ये स्पीड मेरे को डरा रही है. अभी जस्ट हम लोग कर आए हैं, अभी हम लोग फार्मूला रोसा करके निकले हैं एंड द राइड वॉज ऑसम. लाइक मामा से पूछो. ओह इट वाज फक एज हेल. ओह आई कांट एक्सप्लेन. द राइड वॉज रियली इंसेन. मतलब शुरुआत के कुछ सेकंड में तो यू विल फील लाइक यू विल फेंट, बट आफ्टर दैट इट इज वेरी स्मूथ एंड इट्स नाइस. लाइक द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड राइड. ऑल्सो रोसा राइड में आपको अलाउड नहीं है कैमराज एंड ऑल, सो यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ केयर. यू हैव टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन अ सेफ एंड देन यू कैन गो विद एम्प्टी पॉकेट्स. आज का हमारा दिन विद एनर्जी रॉयल हॉर्स. This is one of the best energy drinks you can ever have. Royal Horse energy drink allows you to be energized and stay up just with a few sips. Simply pop open the can and have the amazing experience. Hi, good morning. Two. And now they are scanning the tickets. Thank you so much. Now we are getting into the Dubai frame, which we missed the very onset of our journey, the trip. Now we are getting into the lane. Mr. Samarth is in the queue, ecstatic about going up. अभी हम लोग आ रखे हैं दुबई फ्रेम के टॉप पे और यहाँ से व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा सीनिक है. मतलब पूरा दुबई यहाँ से दिखता है. वहाँ पीछे देखो बुर्ज खलीफा भी दिख रही है इतनी डिस्टेंस से. और अभी तुम लोग को लेके जाना हो इस ग्लास फ्रेम के ऊपर एंड आई विल शो यू क्या एक्सपीरियंस होता है. एक मुझे ये मशीन भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी. मतलब ये मैंने अभी तक सिर्फ कार्टून में देखी थी, पर आज भाई इसे पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. तो गाइज अभी हम लोग आए हुए थे मैक्स और यहाँ पर हमने देखा कि 27 से 29 जैन को चल रही है अपनी आईफोन की बहुत ही तगड़ी सेल. एक्चुअली आईफोन नहीं, सब चीज़ों की सेल चल रही है इस टाइम पे. जनरली दुबई में सेल रहती भी है. तो मैं बस इधर आया और मैंने आईफोन 14 डिस्प्ले पे देखे और मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ. वेल हमने आईफोन परचेज़ कर लिया. आईफोन 14 हमने लिया यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल. और इस परचेज़ के साथ तुम लोग को यूजुअली इसके बिल के पीछे एक ग्रीन स्लिप लगानी होती है, जिसको तुम लोग दुबई से निकलने के पहले चेक इन के टाइम पे अपना वैट वापस से जो तुमने 5% पे किया है उसे क्लेम कर सकते हो. तो अब हम फ़ोन को करेंगे अनबॉक्स. लुक एट द स्क्रीन. ओह ला ला. Looks pretty cool. It is the blue color and it's very glossy. Inside the box you will find this designed by Apple. I think cable bhi dikh jati hai apne ko. So let's close it and let's move ahead. अभी हम लोग आ चुके हैं स्नो वर्ल्ड दुबई, जो बेसिकली स्नो पार्क है यहाँ पर और स्कीइंग का सारा सामान होता है. बेसिकली इट्स अ नाइस थीम पार्क एंड पीपल कॉल इट दैट इट इज स्नो इन द डेजर्ट. So I absolutely had to visit here. So now we are here getting our gears and we'll go inside and show you how the snow theme park looks like. Right now we are in the ski Dubai and the temperature here today is -7. You can even see that. तो भाई यहाँ पेंगुइन है, यहाँ पर अपना अट्रैक्शन है. भाई मुंह से भाप निकल रही है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. टेम्परेचर टुडे ओवर हियर इज -7, -7 डिग्री टेम्परेचर में. इट्स टू कोल्ड बट आई एम स्टिल विद वन बेयर हैंड ओवर हियर एंड आई एम स्टिल हियर विद वन बेयर हैंड एंड वन हैंड एब्सोल्युटली फील. हाफ साइड ऑफ माई बॉडी इज फ्रीजिंग कोल्ड एंड हाफ साइड इज नॉर्मल.
Right now we are walking up to the snow park and I'll show you the view from there. लोगों को पता है अगर तुम लोगों को रोड क्रॉस करनी हो तो यहाँ पर ये वाली जो बटन है इस बटन को दबा कर ये वहाँ पर आपका सिग्नल को ग्रीन कर देता है, फिर आप लोग रोड क्रॉस कर सकते हो इजीली और सारी गाड़ियाँ इंतज़ार करेंगी यहाँ पर. दिस इज़ अ रियली कूल फीचर जो मुझे लगता है इंडिया में आना चाहिए. इसी के साथ हम व्लॉग के एंड पे आ चुके हैं. बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे ये चीज़. लेकिन आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विल मीट यू इन अनदर वीडियो. बाय.